हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। जितने भी एसएससी स्टेनो 2019 के स्टूडेंट जो फाइनल रिजल्ट में पास हुए हैं या बाकी अदर स्टूडेंट जो स्टेनो के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एक चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो कि आपकी ज्वाइनिंग से रिलेटेड है। ध्यान से आप सुनिएगा ये बात। देखिए, अभी 19 वाले स्टूडेंट्स आपकी ज्वाइनिंग कहीं ना कहीं आपकी स्टार्ट हो गई होगी। किसी डिपार्टमेंट से आपको पोस्ट प्रेफरेंस आ गया होगा, किसी में आपको अपॉइंटमेंट लेटर आना होगा, किसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल आया होगा। तो ऐसे में एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग जो है वो आपकी डिले रहती है। अब यहाँ पे जो आपका फाइनल रिजल्ट आया है वो आपका मई लास्ट में आपका आया हुआ है। ऐसे में कई सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी ज्वाइनिंग हो सकता है कि दिसंबर या जनवरी तक आपकी आ जाए, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी अगर आपने प्रयास किया तो ये ज्वाइनिंग जो है वो आपकी दिसंबर तक आ सकती है। अब उसका बेनिफिट आपको क्या होगा कि अगर आप दिसंबर में फाइनली ज्वाइन कर लेते हैं तो आपका जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट डेट होगी वो आपकी 1 जुलाई होगी। तो ऐसे में क्या होगा कि आपका जो इंक्रीमेंट होगा वो 6 मंथ पहले आपका आ जाएगा, ठीक है। अगर आप जनवरी में ज्वाइन करेंगे तो नेक्स्ट इंक्रीमेंट आपका नेक्स्ट जनवरी को लगेगा। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो एक इंक्रीमेंट का कहीं ना कहीं आपका लॉस जो है वो आपका रहेगा। तो ये चीज आप अपने दिमाग में ध्यान रखिए कि अगर आपकी ज्वाइनिंग दिसंबर के पहले, इवन अगर आप 31 दिसंबर को भी ज्वाइन करते हैं तो भी आपका जो इंक्रीमेंट है 1 जुलाई को ही आपका लगेगा। तो ये इंक्रीमेंट का एक बेसिक सा फंडा होता है, आप सभी को पता भी होगा जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। जो नहीं है उनको मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि इंक्रीमेंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। 3% का इंक्रीमेंट आपको हर साल आपको मिलता है। तो मे बी आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही करिए कि ज्वाइनिंग जल्द से जल्द आप जो है वो कहीं के डिपार्टमेंट में बात करिए, क्योंकि ऑलरेडी आप सिलेक्टेड हो, ऑलरेडी आप उस डिपार्टमेंट का हिस्सा बन चुके हो। तो कोशिश करिए कि आपकी ज्वाइनिंग दिसंबर के पहले पहले आपकी हो जाए। अगर मे बी आपकी ज्वाइनिंग खिंचती है तो कहीं ना कहीं आप सभी के लिए लॉस है। बस यही एक अपडेट आप सभी को मैं देना चाहता था। बाकी फटाफट से आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, आगे आपको एक एक वीडियो के माध्यम से बाकी सारी अपडेट्स मिलते रहेंगे। जो भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर कई सारी ऐसी अपडेट्स हैं जो वहां पर आपको दी जाती है।